हरिपुर गांव में भोला नाम का एक साधारण सा किसान अपनी बीवी के साथ रहता था। भोला की पत्नी बहुत ही आलसी थी। घर का लगभग सारा काम भोला को ही करना पड़ता था। ओ भाग्यवान, सुनती हो? जरा पानी देना। बरामदे में मटका रखा हुआ है, उससे पानी ले लीजिए, मुझसे उठा नहीं जा रहा है। अभी तक सोई रही हो भाग्यवान? खाना नहीं बनाओगी क्या? मुझे बहुत भूख लगी है। मेरे पैर में बहुत दर्द है जी, उठकर रसोई तक जाने की भी शक्ति नहीं है, मैं फिर खाना कैसे बनाऊंगी? ओहो, कल तुमने बोला था कि मेरे सर में दर्द है, आज पैर में दर्द होने लगा। अच्छा ठीक है सोई रहो, मैं खुद ही चावल चढ़ा देता हूँ और साथ में दाल और आलू भी बना देता हूँ, उसके साथ ही खाना खा लूंगा। आज फिर से उबली हुई दाल और आलू खाना पड़ेगा, परेशान कर दिया है। अरे वाह, तो फिर क्या हुआ? और क्या होता, मैंने बोला मेरे पैर में दर्द है बस। मतलब कि वो तुम्हारे पूरे कब्जे में है? हाँ बिल्कुल, पूरा काम उन्होंने ही किया था। हे, सुन, आज का दिन तो गुजर गया है, कल क्या करेगी? कल फिर कोई नया बहाना बनाना पड़ेगा, मेरे तो हाथी के दांत है, खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। भाग्यवान, आप तुम्हारे पैर का दर्द कैसा है? हाँ, थोड़ी देर पहले टनटना रहा था, अभी थोड़ा खनखना रहा है। पूरे दिन काम करके मैं बहुत थक गया हूँ, उसके बाद मैं बाजार चावल लेने चला गया था। हाँ तो? नहीं, मैं वो बोल रहा था कि सारे बर्तन नल के नीचे रख कर आता हूँ, तुम जरा बैठे बैठे सारे बर्तन धो लेती तो अच्छा होता। नहीं नहीं, ये सब मैं अभी नहीं कर पाऊंगी, वरना फिर से पैरों में कनकन की जगह टन टन के दर्द होने लगेगा। ओ, तो फिर मैं जाकर धो लेता हूँ, ठीक है। कितना दर्द हो रहा है, बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा है। सुनो, आज दोपहर में मैं राधा नगर बाजार जाऊंगा, दोपहर के समय खाने के लिए नहीं आऊंगा, तुम्हारे लिए दाल भात रख दिए हैं, तबीयत ठीक लगे तो उठकर खा लेना। दाल और भात रख दिया हूँ, तबीयत ठीक लगे तो उठकर खा लेना। आज तो मैं अपने लिए मसालेदार दम आलू बनाऊंगी। अरे कहाँ जा रहे हो? अरे मुनीम जी, नमस्ते नमस्ते, मैं तो राधा नगर बाजार जा रहा था धान का बीज लाने के लिए। इतनी तकलीफ उठाकर इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है? कल शाम को मेरे पास आना, मैं तुम्हें अच्छी जाति के थोड़े धान के बीज दे दूंगा। और सुनो, आज मेरे घर पर पूजा है, शाम को मेरे घर आ जाना, ठीक है? तो फिर मुनीम जी, अभी मैं वापस अपने घर चला जाता हूँ, शाम में आपकी बहू को साथ में लेकर आऊंगा। आह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, खाना बनाते बनाते मुंह में पानी आ रहा है। मजेदार आलू दम की कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। आहा, अरे ये तो मेरा ही घर है। मेरी पत्नी मसालेदार आलू दम बना रही है, लेकिन इसने तो बोला था कि इसके पेट में दर्द है, उठ भी नहीं पाऊंगी, कुछ नहीं कर पाऊंगी। ओ समझ गया, इसका मतलब काम न करने के लिए इसने सारा झूठ बोला था।
ठीक है ठीक है, मैं भी दिखाता हूँ कि तुमसे कैसे घर का काम करवाना है। लौटते लौटते बहुत देर हो गई है ना। इतनी रात हो गई है, अब खाना कब बनाओगे? ओह, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया था कि आज मुनीम जी के घर में पूजा थी। मैं वहाँ से खिचड़ी, पकोड़े, सब्जी, चटनी, खीर, रबड़ी सब कुछ खा कर आया हूँ। क्या? तो फिर मेरे लिए क्यों नहीं लेकर आए? ओहो, तुमने ही तो बोला था कि तुम्हारे पेट में दर्द है, इसलिए लेकर नहीं आया। अगर उतना ज्यादा तेल मसाला खाकर तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती तो। अरे ये क्या मुसीबत है, पेट में दर्द सुबह में हो रहा था। सुबह पेट में दर्द था इसलिए अभी सत्तू घोल कर पी जाओ और सो जाओ। मैं तो सोने जा रहा हूँ। हाय 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 हाय, खिचड़ी, पकोड़े, रबड़ी, चटनी, खीर, सब्जी, सब कुछ मेरे हाथ से निकल गया। हाय हाय हाय, अब सत्तू घोल कर पीना पड़ेगा और क्या। ए जी, कहाँ गए? एक कप चाय बना दीजिए। चाय? नहीं नहीं नहीं, मैंने चाय पीना छोड़ दिया है। तुम भी छोड़ दो, आज से हर सुबह हम दोनों नीम के पत्ते का रस पियेंगे। क्या, नीम के पत्ते का रस? क्यों? हाँ पियेंगे। अरे बाबा, ये तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ। ये जो तुम्हारे पेट में दर्द, सर में दर्द, पैरों में दर्द रहता है ना, ये सारे दर्द कम हो जाएंगे तुम्हारे। अरे नहीं नहीं नहीं, ये तो बहुत कड़वा होगा। मैं तो नहीं पीऊंगी। ऐसा बोलने से नहीं चलेगा, इसे पीना ही पड़ेगा, तबीयत ठीक रखना है ना। ये लो, पी लो, जल्दी पियो। अरे बाप रे, कितना कड़वा है। छींची छींची, मेरा तो मुंह कड़वा हो गया। ये क्या है, ये आपने क्या बनाया है? कद्दू की सब्जी। आज से एक सप्ताह तक तुम कद्दू की सब्जी और चावल खाओगी। अरे बाप रे, नहीं, मैं ये सब नहीं खाऊंगी। ये बोलने से काम नहीं चलेगा, ये सब खाना पड़ेगा, आखिर पेट का दर्द का सवाल है ना। लेकिन आपका खाना कहाँ है? मैं तो जगदीश भैया के घर की पूजा में जा रहा हूँ। उन्होंने तुम्हें भी बुलाया था लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने बोल दिया कि तुम्हारे पेट में दर्द है, तुम्हारी तबीयत खराब है, इसीलिए मैं अकेला ही आऊंगा। लेकिन मैं कद्दू की सब्जी खाऊंगी और ये वहाँ पूजा में अच्छा अच्छा खाना खाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा। मैं खुद ही अपना खाना बना लूंगी, जाती हूँ। अरे ये क्या, टोकरी में एक भी आलू, परवल, बैंगन, मूली कुछ भी नहीं है। अंडे की सब्जी बना लेती हूँ। अरे ये क्या, इसमें तो एक भी अंडा नहीं है। अब हाय हाय, अब मैं क्या बनाऊं, बहुत भूख लगी है मुझे, इसके चक्कर में मैंने सब्जी भी फेंक दी है। हाय हाय हाय, अब मेरा क्या होगा। अरे 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 अरे, ये आपके हाथ में क्या है जी? हाँ हाँ, क्या है ये? जगदीश भैया ने खाना दिया है, बहुत सारा खाना बच गया था। मेरे लिए? नहीं 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 नहीं, मेरे लिए। ये तो मैं कल सुबह खा लूंगा। तुम्हारे लिए तो कद्दू की सब्जी रखी हुई ना, कल फिर चावल बना दूंगा। अब ये रसोई घर में रख कर आता हूँ। क्या हुआ भाग्यवान, अभी तक सोई नहीं हो?
अरे ये क्या, ये तुम क्या कर रही हो भाग्यवान? सुनिए जी, सुनिए, मेरी तबीयत वबीयत कुछ खराब नहीं है जी। वो सब झूठ था, सब झूठ था। वो मुझे ना काम नहीं करना पड़े इसलिए मैंने वो सब झूठ बोला था। मैं अब और नीम के पत्ते का रस, कद्दू की सब्जी नहीं खा पा रही हूँ जी। इसका मतलब तुमने इतने दिनों से काम के डर से ये सारे बहाने बनाए हैं और मुझसे सारा काम करवाती थी? हाँ जी, मैंने बहुत गलत काम किया है। कल से आपको घर का एक भी काम नहीं करना पड़ेगा, देखिएगा आप। वादा करती हो ना? हाँ मैं वादा करती हूँ। दया करके मुझे अभी थोड़ा खाना खाने दीजिए ना। ठीक है, खाओ। ये सारी चीजें मैं तुम्हारे लिए ही लेकर आया हूँ भाग्यवान, तुम्हारे लिए ही। क्या मेरे लिए? हाँ, मैं जानता था कि तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है, तुम काम के डर से मुझसे झूठ बोल रही हो। आप सब जानते थे? जानता था भाग्यवान, सब जानता था। तुमने दम आलू बनाया था, मैं वो भी जानता था। मैंने खिड़की से सब कुछ झांक कर देख लिया था। तो फिर वो नीम के पत्ते का रस, कद्दू की सब्जी, वो तो तुम्हें सबक सिखाने के लिए किया था मैंने। Ha 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 ha